प्यारे बच्चों आदाब। आज मैं आपके सामने सबक नंबर 5 लेकर आई हूँ। लालपुरी बल्ला है। अपनी बुक खोलो और देखो, बुक की तरफ देखना। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास एक सुनहरे परों वाली मुर्गी थी। यानी बोलते हैं कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके पास एक सुनहरे परों वाली मुर्गी थी। वो मुर्गी रोज उसको एक सोने का अंडा देती थी। बुढ़िया उसे बेचकर खूब मजे से रहती थी। पड़ोसों की समझ में ना आया कि आखिर बुढ़िया इतने आराम से कैसे रहती है। यानी जो पड़ोसी थे उसके, वो सोचते थे कि बुढ़िया रोज मजे से रहती है, आराम से रहती है, कैसे रहती है, जबकि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। यानी कि बुढ़िया के पास कोई भी कमाने वाला नहीं था। पड़ोसी जलते देखकर बुढ़िया खुश होती थी। जब पड़ोसी उस बुढ़िया को देखते थे कि वो मजे में रहती है, और उसको देखकर जो पड़ोसी और गांव वाले थे वो बहुत जलते थे। फिर एक दिन उसने सोचा कि रोज एक अंडा लेकर बेचकर बाजार जाती हूँ, क्यों ना एक ही बार में सब अंडे मुर्गी के बेच डालू। यानी बुढ़िया को लालच आ गया कि बोलती है, रोज मैं एक अंडा लेकर दुकान में बाहर बेचने जाती हूँ, क्यों ना मैं एक ही बार सब अंडे बेच डालू। इस तरतीब से एक ही बार में बहुत सा सोना हाथ आ जाएगा। उसके सोच में एक ख्याल आ गया कि मैं मुर्गी को जबा कर लूं और सारे अंडे निकालूं, एक ही बार में बेच डालूं और मैं आराम से रह सकूं और मेरे पास बहुत सारे पैसे। यानी उसको लालच आ गया कि मुझे बहुत सारे अंडे मिलेंगे सोने के, मैं उसको बेच कर मजे में रहूं। इस तरतीब से एक ही बार में बहुत सा सोना हाथ आ जाएगा। उसे बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगी और मैं कोई बड़ा काम कर लूंगी। उसको बहुत लालच आ गया कि मैं ये बेचकर बहुत सा बड़ा काम करूंगी, कोई बिजनेस करूंगी, कुछ करूंगी। बुढ़िया ने सुबह होते ही मुर्गी को पकड़कर जबा कर लिया। यानी बुढ़िया ने मुर्गी को पकड़ा और उसको जबा कर लिया। जब बुढ़िया ने मुर्गी को जबा कर लिया तो उसमें से कोई भी अंडा नहीं निकला। पेट फाड़ कर देखा तो सिर्फ एक ही अंडा था। बुढ़िया धक से रह गई। बुढ़िया हैरान हो गई कि मैंने ये क्या किया, अब मैं कैसे रहूं। और बच्चों देखो कि लालच बुरी बला है। बुढ़िया को लालच आ गया कि मैं मुर्गी को बेचकर सारे अंडे निकालू और आराम से रह सकूं, लेकिन मुर्गी को जबा करके वहां से कोई भी अंडा नहीं निकला। तो बच्चों देखा, लालच बुरी बला है। कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। और अब मैं आपके सामने अल्फाज मायने बोलूंगी। रोजाना, रोजाना यानी हर रोज। बोलते हैं रोज, हम क्या करते हैं, रोजाना, हर रोज। जबा करना यानी जबा करना क्या हुआ, हलहल करना। तरतीब, तरीका यानी तरतीब, कोई तरीका निकालना। दब से रह जाना यानी हैरान हो जाना।